नमो नोये सौरियंताणम नमो नोये सौदानम नमो नोये सौरियान नमो नोये सौजयानम नमो नोये सौत्रिकावती सावनम ओंकार मिंदु संयुक्त नित्यं जयंती योगिन कामद मोक्षदं से ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतम मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र मोस मंगल नमः समरिस्ताराय परमात्म प्रकाश आचार्य भगवान योगिंदु देव रचित परमात्म प्रकाश नो स्वाध्याय आपणे करी रह्या छीए। एमां बीजा अधिकारनी गाथा 63 सुधी स्वाध्याय पूरो कर्यो छे। आजे आगळ 64मी गाथा लईए छीए। 64मी गाथाना उपोद्गातमां कहे छे के आगे निश्चय प्रतिक्रमण निश्चय प्रत्याख्यान और निश्चय आलोचना रूप जो शुद्ध उपयोग उसमें ठहर कर व्यवहार प्रतिक्रमण व्यवहार प्रत्याख्यान और व्यवहार आलोचना रूप शुभ उपयोग को छोड़े ऐसा कहते हैं। गाथा 64 वंदनम निंदनम प्रतिक्रमणम पुण्यस्य कारणम येन करोति कारयति अनुमन्यते एकम अपि ज्ञानी न तेन। 64मी गाथाना निवारकमां कहे छे के वंदनम निंदनम प्रतिक्रमणम पंच परमेष्ठी की वंदना अपने अशुभ कर्म की निंदा और अपराधों की प्रायश्चितादि विधि से निवृत्ति ये सब येन पुण्यस्य कारणम ये सब जो पुण्य के कारण है मोक्ष के कारण नहीं है तेन ज्ञानी एकम अपि न करोति। इसलिए पहली अवस्था में पाप के दूर करने के लिए ज्ञानी पुरुष इनको करता है कराता है और करते हुए को भला जानता है तो भी निर्विकल्प शुद्ध उपयोग अवस्था में ज्ञानी जीव इन तीनों में से एक भी न तो करता है कार्यति अनुमन्यते न कराता है और न करते हुए को भला जानता है। कि पंच परमेष्ठी की वंदना अपने अशुभ कर्म की निंदा और अपराधों की प्रायश्चित आदि विधि से निवृत्ति ये सब जो पुण्य के कारण है शुभ भाव है मोक्ष के कारण नहीं है इसीलिए पहली अवस्था में पाप के दूर करने के लिए ज्ञानी पुरुष इनको करता है कराता है और करते हुए को भला जानता है तो भी निर्विकल्प शुद्ध उपयोग अवस्था में यानी जीव इन तीनों में से एक भी न तो करता है न कराता है और न करते हुए को भला जानता है। दिमाग गाथा लिए वंदन निंदन प्रतिक्रमण पुण्य हेतु गणी एम करे करावे ज्ञानी ना अनुमोदे नहीं तेम। अर्थमां कहे छे कि वंदना स्व आत्म निंदा पोताना दोष माटे पोते निंदा करे छे एने ग्रहा कहेवाय छे अने गुरु पासे जई अने एनु प्रायश्चित मांगे छे तो ए स्व आत्म निंदा वंदना स्व आत्म निंदा और प्रतिक्रमण आदि पुण्य का पुण्य ना कारण छे पण मोक्ष ना कारण नथी तेथी निर्विकल्प शुद्ध उपयोग रूप अवस्था में रहेला ज्ञानीओ आ त्रण माथी एकेने पण करता नथी। शुद्ध उपयोग छे त्यारे आमाथी कोई ने त्रण माथी कई करता नथी। वंदना स्व आत्म निंदा के प्रतिक्रमण
करता नथी, करावता नथी, अनुमोदना करता नथी, क्यारे शुद्ध उपयोग छे त्यारे। शुद्ध उपयोग रूप अवस्थामां रहेला ज्ञानीओ आ त्रणमांथी एकेने पण करता नथी, करावता नथी अने करताने अनुमोदता पण नथी। शुद्ध निर्विकल्प परमात्म तत्वनी भावनाना बळथी भूतकाळमां थयेला रागादी दोषोनुं निराकरण करवुं તે નિશ્ચય પ્રતિગમણ છે। એટલે જ્યારે નિર્વિકલ્પ શુદ્ધ ઉપયોગ થયો છે, શુદ્ધ નિર્વિકલ્પ પરમાત્મ તત્વની ભાવના એ વખતે ઉપયોગ શુદ્ધ હોય ત્યારે તો એમને ભૂતકાળમાં થયેલા રાગ ની દોષોનું પ્રાયશ્ચિત થઈ જાય છે, એ નિશ્ચય પ્રતિગમણ છે। સ્વભાવ ભાવ તરફ વળવું એ જ નિશ્ચયથી પ્રતિગમણ છે। વિભાવ ભાવે થયો હતો અને હવે સ્વભાવ ભાવે પરિણમે છે, એટલે એ જ ખરેખર નિશ્ચય પ્રતિગમણ છે। વળી આગળ કહે છે કે વિતરાગ ચિદાનંદ શુદ્ધ આત્માની અનુભૂતિની ભાવનાના બળથી ભવિષ્યમાં થનાર ભોગોની વાંછારૂપ રાગાદીનો ત્યાગ કરવો તે નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાન છે। ભવિષ્યમાં થનારા દોષોનો ત્યાગ પણ નિશ્ચયથી આ રીતે થાય છે। શુદ્ધ આત્માની અનુભૂતિની ભાવનાના બળથી શુદ્ધ આત્માની અનુભૂતિ કરે છે ત્યારે સાથે જ એને એવા પ્રત્યાખ્યાન પણ થઈ જાય છે, કેમ કે પોતાના સ્વરૂપને અનુભવે છે, પછી બાહ્યમાં કોઈ પણ પરપદાર્થને એ પોતા રૂપ જાણતો નથી, માનતો નથી કે શ્રદ્ધતો નથી। એટલે શુદ્ધ આત્માની અનુભૂતિની ભાવનાના બળથી ભવિષ્યમાં થનાર ભોગોની વાંછા રૂપ રાગાદીનો ત્યાગ કરવો તે નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાન છે। અને નિજ શુદ્ધાત્માની પ્રાપ્તિના બળથી વર્તમાનમાં ઉદયમાં આવેલા શુભ અશુભના કારણ એવા હર્ષ વિષય આદિ અશુદ્ધ પરિણામોને આત્માથી ભિન્ન કરવા તે નિશ્ચય આલોચના છે। નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં શુદ્ધ આત્માની પ્રાપ્તિ કરે છે, સ્વરૂપને અનુભવે છે તો એને આલોચના પણ થઈ જાય છે, એટલે નિશ્ચયથી શુદ્ધ ઉપયોગમય પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન અને આલોચના છે। પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન અને આલોચનાનું નિશ્ચયથી સ્વરૂપ કેવું છે? નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં પોતે પોતાના સ્વરૂપનો અનુભવ કરે છે, એકાગ્રતા કરે છે, અનુભૂતિ કરે છે, એવું જ એ નિશ્ચયથી પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન અને આલોચના છે। અને કહે છે આગળ કે આ પ્રમાણે શુદ્ધ ઉપયોગ રૂપ નિશ્ચય પ્રતિક્રમણ આદિ, એટલે નિશ્ચય પ્રતિક્રમણ, નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાન અને નિશ્ચય આલોચનામાં સ્થિર થઈ શુભ ઉપયોગમય વ્યવહાર પ્રતિક્રમણ આદિમાં જે પ્રવર્તતા નથી તે જ્ઞાની છે। સારાંશ કે જ્ઞાની આત્મા પ્રથમ અશુભ ઉપયોગનો ત્યાગ કરી શુભમાં આવે છે, ત્યાર પછીથી શુદ્ધમાં લીન થાય છે। ખરેખર તો જ્ઞાની થયા તો એ શુદ્ધમાં એકવાર લીન થાય, અનુભૂતિ કરે ત્યારે જ જ્ઞાની કહેવાય છે। પણ જે જ્ઞાની છે તો એનો પુરુષાર્થ કઈ રીતે છે એ બતાવતા અહીંયા કહે છે કે પૂર્વે જે અશુભ ઉપયોગ રહેતો હતો એનો ત્યાગ કરી અને શુભભાવમાં આવે છે, ને એ શુભભાવની રૂચિ નથી, શુદ્ધની રૂચિ છે, એટલે એ શુદ્ધની રૂચિ કરે છે એવો શુભભાગ હોય છે, એવા શુભભાવ સહિત ત્યારે શુદ્ધ આત્માની અનુભૂતિ કરે છે અને શુદ્ધમાં લીન થાય છે। તો શુદ્ધમાં લીનતા થવાથી શુભ ઉપયોગ એની મેળે છૂટી જાય છે, છોડવાની આવશ્યકતા હોતી નથી। શુદ્ધ ઉપયોગ થાય છે ત્યારે શુભ ઉપયોગ હોતો નથી, શુભ ઉપયોગને છોડવો પડતો નથી, એ છૂટી જાય છે। એટલે કે જે વિકલ્પ સહિત શુભભાવ છે એ વિકલ્પ સહિતનો શુભભાવ છૂટી જાય છે અને માત્ર એ પોતે નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં શુદ્ધ ઉપયોગમાં એકાકાર થઈ જાય છે। તો આ રીતે આ 64મી ગાથા છે। આ ગાથા ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાનજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે તે આપણે લઈએ। પરમાત્મ પ્રકાશ પ્રવચન ભાગ 5મો વર્ડ ટુ વર્ડ એના 12 નંબર 297 64 गाथा। आगे निश्चय प्रतिक्रमण
व्यवहार प्रतिक्रमण है वो शुभ विकल्प शुभ क्यों गए, निश्चय प्रतिक्रमण शुभ उपयोग से छूटकर अंदर आनंद की लीन में आनंद में लीन होना वो निश्चय प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण पाछा फेरना, शुभ अशुभ भाव से पाछा फिरकर अंदर में लीन होना, आनंद के नाद प्रभु सच्चिदानंद प्रभु ऐसा अपना स्वरूप उसमें लीन होना प्रतिक्रमण, प्रति उन पाप से हटकर उसमें रहना, उसका नाम निश्चय प्रतिक्रमण कहने में आता है। निश्चय प्रत्याख्या भविष्य न शुभ शुभाव में न आना, अंतर में लीन होना, यह निश्चय प्रतिज्ञा। निश्चय आलोक न वर्तमान शुभ शुभाव से रहित होकर शुद्ध चैतन्य शुद्ध उपयोग में आना, ये निश्चय आलोचना। जो शुद्ध उपयोग अशुद्ध उपयोग क्या तीनों तीनों का शुद्ध उपयोग है उससे ठहर कर, इस शुद्ध उपयोग में ठहर कर व्यवहार प्रतिक्रमण शुभ भाव, व्यवहार प्रत्याख्यान शुभ भाव, व्यवहार आलोचना इस शुभ को छोड़े व्यवहार प्रतिक्रमण आदि शुभ राग शुभ उपयोग है, मिच्छा में ढुकड़ंग आया ऐसा ऐसा ही शुभ उपयोग है। व्यवहार प्रतिकान करना वो भी एक शुभ उपयोग है, पाप नो त्याग कर इन प्रतिकान ये शुभ उपयोग है। व्यवहार आलोचना वर्तमान विचार करना कि आ नहीं आ नहीं आ नहीं ऐसे ये पर शुभ उपयोग है। इन तीनों को छोड़कर तीनों को छोड़कर पहले न लिया, अंतर में ठहर कर आनंद घन भगवान आत्मा सच्चिदानंद प्रभु सात नाम शाश्वत चित घन आनंद उसमें ठहर कर है उसमें ठहर कर व्यवहार प्रति व्यवहार आलोचना शुभ उपयोग को छोड़े ऐसे शुभ उपयोग अंदर में ठहरे तो शुभ उपयोग छूटे। शुभ उपयोग पंचबंध का कारण है, पहले आता है ये कहेगा पाप से छूटने को बचने को शुभ भाव आता है पर वो पुण्यबंध का कारण है। माटी जिसको धर्म करना हो उसको तो अपना आत्मा में ठहर कर आनंद में लीन होकर शुद्ध चैतन्य निर्मल आनंद कण निर्मल विज्ञान घन प्रभु आत्मा है। इसको ठहर कर शुभ उपयोग को छोड़े ऐसा कहते हैं। वंदनु निंदनु परिक्रमणु पुण ही कारणु जैनु करई करावी अनुमयी एक भी नानी तेन पाठ पास जी पंच परमेश्वर की वंदना ये स्वभाव है। निंदन अपने अशुभ कर्म की निंदा वो भी स्वभाव है। प्रतिक्रमण अपराधों की प्रायश्चिदादि विधि से निवृत्ति ये सब पुण्य के कारण है। आओ मर से एनी श्रद्धा नहीं खबर न मिले क्या है श्रद्धा और शुभ उपयोग क्या चीज है वो बंध का कारण है। मोक्ष मार्ग समय सार में मोक्ष अधिकार में तो इस शुभ उपयोग को तो विश्व कुंभ कहा है, जहर का घड़ा घड़ा समझे नहीं घट
भगवान आत्मा अमृत का कड़ाए है, अमृत का सरोवर भगवान आत्मा, सागर है, समुद्र है। सागर है, अमृत सागर है, अपरिमित जैनी शक्ति है, अनंत जैनी शक्ति, ज्ञान आनंद शांति अनंत है। अनंत है तो सागर है। सागर ना जैन बिंदु नो पार नहीं, एम भगवान ना ज्ञान दर्शन ना शक्ति नो पार नहीं। चैतन्य द्रव क्या है उसकी खबर नहीं मानस में, यानी तो कहीं कीमत नहीं। राग करना ना करना यानी कीमत उसकी। अरे जन्म मरण मिटाने का पंथ कोई दूसरा है ये कहते हैं। देखो मोक्ष कारण नहीं, ये व्यवहार प्रतिक्रमण, व्यवहार निंदा, व्यवहार आलोचना, ये पुण्य कारण से। मोक्ष कारण नहीं, इसने पहली अवस्था में पाप के दूर करने के लिए आता है। आवे से एटलू जो मैं बता रहे क्यों टीका मन थी एटलू बढ़ू टीका मन थी एटलू बढ़ू आत्मा से ने करे ही कराई अनुमोदी कौन शुद्ध तो एने ठेका शुभ ने न कह मैंने पास अर्थ मारे मुंह तो आम से शुद्ध भाव ने करवो करावो न अनुमोदो। અને આ શુભ ભાવને છોડવો હે, તેનો મેં એક ભી ન તો કરતા હૈ ન કરાતા હૈ ઓર ન કરતે કો ભલા જાનતા હૈ। હા એસા શુદ્ધ ઉપયોગ મેં રહેકર છોડ દેના શુભ ઉપયોગ, ઉસકા નામ ધર્મ હૈ વિશેષ કે। આત્મ પ્રકાશ 64 ગાથા फरी ने वंदनम से क्या थी पंच परमेष्ठी की वंदना, यहां सम्यक दृष्टि की बात है। जिसने पहले पुण्य ने पाप का राग से भिन्न अपनी चीज सु चैतन्य गंध है उसकी दृष्टि अनुभव हुआ हो तो उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। देहादिनी क्रिया जड़ा तो अजीव है शरीर, पर अंदर पुण्य पाप का भाव होता है वो भी आश्रव है। तो अजीव और आश्रव से अपनी चीज शुद्ध ज्ञान घन निर्मोल भिन्न है उसकी अंतर दृष्टि अनुभव होना निर्विकल्प दृष्टि होना राग मिश्रित दृष्टि छूटकर वरागी आत्मा का अनुभव की दृष्टि होना ये सम्यक दर्शन है। सम्यक दृष्टि को व्यवहार पंच परमेष्ठी का वंदन आता है पर ओ हे पुण्य भाव समझ में आया है। वंदनम पंच परमेष्ठी की वंदना शब्दार्थ है। निंदनम अपने अशुभ कर्म की निंदा, हिंसा झूठों चोरी विषय भोग पाप उसकी निंदा करके भाव होता है ये शुभ भाव है, पुण्य भाव है। संकीर्ति को भी ये भाव पुण्य भाव है। समझ में आया। और अपराधों की प्रायश्चित आदि विधि से निवृत्ति ये भी शुभ भाव है, पुण्य भाव है। ये सब पुण्य के कारण है। सम्यक दृष्टि को भी पुण्य के कारण है, अज्ञानी को तो धर्म है ही नहीं। जिसकी दृष्टि स्वभाव पर न आई और पुण्य पाप का परिणाम पर जिसकी दृष्टि है ये तो मिथ्या दृष्टि है।
या तो सम्यक दृष्टि को भी पंच परमेष्टि की वंदना का शुभ भाव आता है, वो पुण्य के कारण है। मोक्ष के कारण नहीं, परमानंदनी प्राप्ति रूपी मोक्ष उसकी प्राप्ति पुण्य भाव से नहीं। इसलिए पहली अवस्था में पाप के दूर करने के लिए ज्ञानी पुरुष जो ज्ञानी धर्मी, ये पहली अवस्था में शुभ भाव आता है, करता है और काम आता है। समझ में आया? करतो तो बुद्धि नहीं आ रहा। सम्यक दृष्टि को जिसकी दृष्टि स्वभाव पर है उसको भी ऐसा भाव अशुभ से बचने को अशुभ वंचनार्थम ऐसा शुभ भाव आता है, पर है पुण्य का कारण, बंध का कारण। पहली अवस्था में ये आता है, करता है, करता ना अर्थ परिणाम होता है, कराता ही तो बुद्धि अर्थ करना क्यों, और करते को भले जानते तो भी निर्विकल सदुपयोग अवस्था में। धर्मी को जब अंतर में सम्यक दर्शन सहित राग रहित अंतर में उपयोग जमी गया आनंद में, एक ज्ञानी जीव ये तीनों में से एक भी न करता। जीनेवाद बापू, भगवान वीरनो मारग जिन सूक्ष्म भाव, अपूर्व बात है। अनंत काल में कभी चैतन्य भगवान आत्मा का बेटा कभी किया नहीं। वस्तु भगवान परमानंद मूर्ति प्रभु, ये आत्मा निर्मल विज्ञान गण, उसका मिलाप कभी किया नहीं, और राग की एकता बुद्धि कभी छोड़ी नहीं। ये एकता बुद्धि छोड़े पीछे स्वरूप की दृष्टि अनुभव हो पौपन ऐसा अशुभ से बचने को ऐसा शुभ भाव आता है। तो ज्ञानी का शुभ भाव ये पुण्य बंध का कारण है। हाँ, बिल्कुल पर मोक्ष कारण जरिए नहीं, ये तो संकीर्ति को आत्मज्ञान हुआ है उसको स्वभाव यही तरीके जानते हैं। पीछे है उसको स्व का आश्रय लेकर छोड़ेगा तो परंपरा कारण कहने में आया। राज्य कहीं आत्मा का मोक्ष का कारण होता है। जीणीवाद बापू, बहु प्रभु अनंत काल में 84 अवतार में दुखमा डोली रो, दुखना डूंगरे पड़ो अंदर में, अपनी शांति क्या है चीज इसकी खबर नहीं। ये शुभ शुभ भाव है, दुख रूप है, राग रूप है, उसमें अज्ञानी अनादि से रचा पचा है। तो यहाँ तो कहते हैं कि जिसको ये राग की रुचि छूट गई और शुद्ध चैतन्य भगवान पूर्णानंद की रुचि अनुभव हुआ उसको भी अशुभ से बचने को ऐसा शुभ भाव पंच परमेष्ठी की वंदना आदि आती। समझ में आया? पण जारे निर्विकल्प में ठहरते हैं, मूल तो ये है, विकट शुभ भाव है छोड़कर आनंद स्वरूप में शांति शांति शांति, ज्ञाता ध्यान ने ध्येय का भेद भी छोड़कर, ज्ञाता ज्ञान ने ज्ञेय का भेद भी छोड़कर अंतर में लीन होते हैं, तब सच्चा
मोक्ष मार्ग उसको कहते हैं। निर्विकल उपयोगी चरित्र है। अच्छा भारी शब्द शब्द फिर ये कहते हैं देखो भला जानता है भला जानता है कहियो नहीं किस दिन शुभ भाव भक्त है ऐसा व्यवहार से कहने में आता है व्यवहार से ये तो अर्थकार है लिखा है कहीं तो मैं पहला भी अर्थकार लिखा है पाठ में नहीं पाठ में तो ज्ञानी को शुभ भाव करना नहीं कराना नहीं अनुमोदना नहीं ऐसा पाठ है जानता है बात जानते ही नहीं आज तक अंदर ठहरते हैं ये नहीं बात है जानते तो है उसको जानते हैं अब तो है ही नहीं अंतर निर्विकल्प उपयोग में जम जाते हैं संकीति ज्ञानी तेरे शुभ भाव है ही नहीं समझ में आया जीनी बात भाई जिनवर देव वितराग अने दिगंबर संतोनी शैली बहु सूक्ष्म छे भाई मार्ग बहु सूक्ष्म भाई प्रथम हजी सम्यक दर्शन ज सूक्ष्म सम्यक दृष्टि को शुभराग आता है पर वो कर्तृत्व बुद्धि नहीं करने लायक है ऐसी बुद्धि नहीं पर आया बिना रहते नहीं वितराग नहीं टिश्व भाव आता है तो उसको ही जानते हैं कि पुण्यबंध का कारण है ये बुद्धि आता है आए तो वो भी छोड़कर अंतर में ठहरते जब ज्ञानानंद स्वभाव में लीन होते हैं निर्मल विज्ञान घन भगवान आत्मा उसमें लीन होते हैं तब शुभ भाव करते नहीं कराते नहीं करते हुए को भला जानते नहीं खुदनानंद जी प्यारे उसका अर्थ तो उसको होता ही नहीं हो अंदर आनंद का ध्यान में थे तो ये विकल्प है ही नहीं त्यां शुभ राग व्यवहार प्रतीक मना दी जो शुभ भाव है वो तो ये समय में है ही नहीं ये बात यहां करते हैं है करा तो न करते भला जानता है भावार केवल शुद्ध स्वरूप में जिसका चित लगा हुआ है जैनो चित शुद्ध स्वरूप भगवान परमानंद स्वरूप है उसमें जिसका चित अंदर लगा है ऐसा निर्विकल परमातत्व की भावना के बल से जो क्या किया केवल एक शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा उसका चित्त जिसमें लगाया अंदर में ऐसा निर्विकल परमात्मत्व की भावना के बल से ऐसे राग रहित वितरागी दशा परमात्मत्व की एकाग्रता उसका बल से देखे सुने अनुभव की भोगों की वांछा इंद्रिय से देखे है आंख से कान से सुना हो मन से अनुभव किया हो राग आदि ये भोगों की वांछा भूतकाल के राग आदि दोषों का दूर करना भूतकाल नाम गया काल में जो राग आदि हुआ है ये दोष है शुभ राग भी दोष है है यहाँ अंदर एक समय में वितरागता प्रकट करते हैं तो भूतकाल की अपेक्षा राग दूर किया वर्तमान की अपेक्षा आलोचना भविष्य की अपेक्षा प्रत्याख्यान समय तो एक ही है अपना शुद्ध स्वभाव सन्मुख वितरागता प्रकट हुई तो वो वितरागता में तीन बोल लागू पड़ते हैं भूत गया काल का राग का अभाव भविष्य का राग का प्रत्याख्यान अभाव वर्तमान राग से प्रकट है तो वितरागता एक ही
उसका तीन प्रकार से कथन है। हाँ, समझ में आया। मार्ग मार्ग भाई सूक्ष्म भाई है, भगवान अंदर वितरागी बिंब प्रभु है, प्रभु है, वस्तु है तो वितरागी बिंब है, निर्मल विज्ञान गण आत्मद्रव्य है, उसमें निर्विकल वितराग प्रणति से प्रणमना करना। निर्विकल्प परमात्म तत्व की भावना भाव, देखो परमात्म तत्व के पोते अपना स्वरूप, परमात्म तत्व जी टिकाली परमात्म स्वरूप अपना है, उसकी भावना नाम एकाग्रता से है, एकाग्रता का बल से है। देखे सुने भोगे की भूतकाल के रागा दूर करना, ये निश्चय प्रतिक्रमण है, ये सच्चा प्रतिक्रमण है। ये सच्चा मुनि को होता है, जिसको अंतर वितराग दिशा प्रकट हुई, संत की चारित्र दिशा, उसको विकल्प छोड़कर अंदर स्थिर होता है, उसको निश्चय प्रतिक्रमण कहने में आता है। अंदर आनंद नो नाद भगवान, अतीन्द्रिय आनंद गांठड़ी है आत्मा, अतीन्द्रिय आनंद नी गांठ, गांठड़ी, गांठड़ी कहते गठड़ी, गठड़ी। उसमें सम्यक दर्शन सहित अंतर में लीन होना, ओ भूतकाल का राग का दोष से भिन्न हुआ, उसका नाम प्रतिक्रमण नीचे कहते हैं। समझ में आया। वितराग चिदानंद एक सदात्मा की अनुभूति की भावना के बल से नीचे प्रत्याख्यान कहते हैं। प्रत्याख्यान बाहर से पचकान ऐसा करता है तो शुभ विकल्प है, राग है। अंदर में निश्चय प्रत्याख्यान सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ वितराग देव एम कहते हैं, ये संतों कहते हैं। वितराग चिदानंद शुद्धात्मा, वितराग चिदानंद शुद्धात्मा आभाषा, पहला ना निर्विकल परमात्मा तत्व कहने में आया था, विकल्प रहित परमात्मा तत्व की भावना ऐसा कहा था। आई वितराग चिदानंद एक शुद्धात्मा की अनुभूति की भावना का बल से, प्रत्याख्यान उसको कहते हैं, पचखान कहते हैं ना प्रत्याख्यान। वितराग चिदानंद एक शुद्धात्मा, वितराग चिदानंद एक स्वभाव शुद्धात्मा अनुभूति, एनो अनुभव, शुद्धात्मा का अनुभव, वो कहा था ना शुद्ध, शुद्धता विचारे ध्यावे शुद्धता में केली करे, आते हैं ना, शुद्धता में मगन रहे, रस स्वाही वस्तु विचार तो ध्यावते मन पामे विश्राम, मनो विकल्प घट जाए न छोड़, रस स्वाद तो सुख उपजे, आत्मा का आनंद का रसना स्वाद जिमा उत्पन्न हो, अनुभवता को नाम, उसका नाम अनुभव, उसका नाम सम्यक दर्शन, उसका नाम सम्यक ज्ञान, उसका नाम चारित्र सम्यक। ये ना घना प्रकार की धन भाई इन कीधु सम्यक ज्ञान दीप, भगवान आत्मा एक ने बावी परिसो, आत्मा एक ने बार भावना, ये तो बड़ा भेद का कथन है। बाकी तो वस्तु का अंतर स्वरूप में वितरागता प्रकट करने से जो भाव होता है उसको समृद्धि भाव से कहो। द
दमदार सुलक सम्यक ज्ञान दीपिका आ तकरारी प्रश्न उठाए ना भी ये सम्यक ज्ञान दीपिका का बोले हैं उनकट का नहीं है बनवाई का नहीं है बने आएंगे मेरा जन्म पहले वो तो बन गई है समय धर्मदास सुलक ब्रह्मचारी हुआ है दिगंबर ब्रह्मचारी धर्मदास सुलक जिसने समय ज्ञान अनुभव दीपिका स्वात्मानुभव मनन परमा ज्ञान भावना ऐसा ग्रंथ बनाया है सब देखा है ना हमारी सब है वो तो मेरा जन्म पहले छपी है मेरा जन्म तो 46 साल का वैशाख सुधी दूजी अने पुस्तक छपा है 46 साल के माह महीने में सब लिखा है अंदर है ना तो जन्म भी नहीं था मेरा जन्म ने तो वैशाख सुधु जी 46 साल 87 चलते हैं ना वो पहले माघ महीने में छपा है आया जी आया है सब हुक्मी चंद जी ने तो उसमें तो दृष्टांत दिया है ये बात पंडित हुआ फांदगढ़ वाला ऐसा कहते हैं कि स्त्री को भोग करे पर पति माथे साथी हुआ तो दोष नहीं है अरे ये तो दृष्टांत है धर्मदास सुलक का सम्यक ज्ञान दीपिका की बात है पहली छपी थी 46 साल में माह महीने में दूसरी छपी अभी 42 वर्ष पहले तीसरी चौथी यहाँ छपे पांचवी छपी अभी छपी है तो पुस्तक कितना छपे है 14 लाख तो यहाँ छपा समय सार प्रवचन सार नियम सार दिगंबर प्रशासन 14 लाख और 6 लाख क्या छपे हुक्मी चंद जयपुर जयपुर हुक्मी चंद जी तुम्हारा भारी कहते क्या कहते भारी 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 उसने 6 लाख छपा है आंकी से तो 20 लाख पुस्तक छपा है 42 वर्ष में 42 वर्ष हुआ यहाँ 40 और 2 45 वर्ष की उम्र में आया था तो 47 हुआ 45 ने 42 तो पहले छपी थी पुस्तक छपी पण की वांचने नहीं पंडित का किसका पुस्तक है इसकी खबर नहीं किस अपेक्षा से लिखा है अरे शू करे चीज निश्चय की सच बात तो गुप्त हो गई बाहर नहीं क्रिया कांड में सब मचा कल आया था ना कल भव्य साधु साधु है कर्नाटक में दिगंबर साधु कर्नाटक में दिगंबर भव्य सागर साधु 1000 वर्ष की दीक्षा है 10 और 8 18 शीघ्र कवि है आंसू कवि शीघ्र कवि तो हमारा ऊपर 10 पुत्र आया आज कल ही आया है तो पहले आया था ओ स्वामी जी आपे जी बात निकाले आत्म धर्म ऐसी बात है नहीं क्या है हम साधु नहीं हम सज्जन मुनि नहीं बापू अजी सम्यक दर्शन क्या चीज है खबर नहीं साधु क्या से आया समझ में आया कल आया पत्र नहीं 10वां आया है तो पहले पत्र है मेरे त्या आने का भाव है आपकी बात सुनने को धनभाग आपकी सभा में मैं सुनूं तो मेरा धन है मुनि है मुनि है बाहर से मुनि हुआ है मैं क्या अपन सम्यक दर्शन क्या है तो खबर नहीं धर्म का मूल तो सम्यक दर्शन है दंशन मूल धम्मो तो सम्यक दर्शन क्या है उसकी खबर नहीं कैसे चारित्र में बताई गया किसको चारित्र कहता है स्वरूप सम्यक दर्शन का अनुभव हो पीछे अंतर में रमणता आनंद में रमणता दिन चरना रमना जमना अतीन्द्रिय आनंद का भोजन करना उसका नाम चारित्र है जेनी बात भाई कल बेन नहीं बोली शब्दों वाचा था ना बेन ना शब्दों 63 ये वाची ने बहु खुशी थी गया बहु खुशी बहन जेवा
અનુભવ થી આવી વાત કરી. બહુ બચારા માણસો લો છો, હવે અમે તો કઈ કોઈ કોઈ બોલાતે નહીં, કઈ કરતા પત્ર બત્ર લીપતે નહીં, કોઈ કોઈ આવે વાંચી લઈએ. અહીં કલા રાત્રિ વાંચાતો પત્ર. હા હા, અહીંયા તો સમ્યક દર્શન હોય ને લિખાય, નિશ્ચય સમ્યક દર્શન બિના સબ વ્યર્થ હૈ, આપ કહેતે હી વાત યથાર્થ હૈ. વ્રત કેવા, પચકાન કેવા, તપ કેવા, સમ્યક દર્શન બિના. અહીં સમ્યક દર્શન ક્યાં હૈ ઉસકી તો ખબર નહીં. હા હા, સમ્યક દર્શન ચોથા ગુણસ્થાન બાપુ એસે કે જિસને અંદર મેં દેશ હૈ તો ભિન્ન, કર્મ સે ભિન્ન જુદા, પણ દયાદાન વ્રત ભક્તિ કા પરિણામ રાગ હૈ ઉસે ભી ભિન્ન. હા હા, અને અપના સ્વભાવ સે ભગવાન અભિન્ન, એસા આત્મા કા અનુભવ હોના, ઉસકી દ્રષ્ટિ હોના, ઉસકા નામ સમ્યક દર્શન. હજી તો પહેલી ચીજ જ નિશ્ચયની વાત એ સચ હૈ, વાત ઉપચાર હૈ કથન હૈ. કોથળા હોતા ને કોથળા, ચોખા કા બોરી, બોરી ચોખા કી બોરી, ચોખા મતલબ ચાર માણ અઢી શેર, પણ ચાર માણ અઢી શેર માં અઢી શેર તો કોથળા હૈ, બોરી હૈ, ચાર માણ ચોખા હૈ, પણ તોલ મેં સાથે લે લ્યા, કે ચાર મન ચોખા સાથે અઢી શેર જો બારદાની પકતે હૈ, ચોખા ને બદલે ઉસકો પકાતે હૈ. એસે નગ્નપણા અને પંચમહાવર વિકલ્પ તો બુરી હૈ. અંદર માલ તો અંદર વિતરાગ કા, અંદર સુચિદાનંદ પ્રભુ, ઉસકા દ્રષ્ટિ અનુભવ ને ફિરતા વો માલ હૈ, ચોખા હૈ. ચોખા કહેતે ને ચાવલ, ચાવલ ધોળા સફેદ, એમ ભગવાન આત્મા પવિત્ર આનંદ કંદ પ્રભુ, ઉસકી દ્રષ્ટિ જ્ઞાને રમણતા, એ ચોખા આત્મા ચાવલ હૈ. કોપંડીજી આવી વાત છે ભાઈ, બહુ ફેરફાર થઈ ગયો. કલ કહા થા ને હું દીપચંદજી હોય સાધર્મી, અનુભવ પ્રકાશ ચિત વિલાસ આત્મઅવલોકન બહુ પુસ્તક બનાયા, ભાવ દીપિકા હૈ, પંચસંગ્રહ એનું છે નહી, પંચસંગ્રહ છે, છે બધા પુસ્તક છે. આ રી આત્મઅવલોકન હૈ પુસ્તક, સબ સબ દેખાય હજારો, તો ઉસમે એસા લિખા હૈ ભાવ દીપિકા મેં, રાત્રિ કહા થા 300 વર્ષ, 350 વર્ષ પહેલે દીપચંદજી ગ્રસ્થાશ્રમ મેં સંકિત આત્મજ્ઞાની થા, અનુભવી તો કહેતે થે કે અત્યારે હમ દેખતે હૈ તો કોઈ સચ વક્તા હૈ નહીં, સચ્ચાઈ પુસ્તક નથી. 45 પાને ભાવ દીપિકા ના 242 પ્રશ્ન હૈ પત્ર, 241 પાને આ વાત હૈ કે વર્તમાન મેં 350 વર્ષ પહેલે હુઈ મહા અનુભવી જ્ઞાની સંકિત રણથંભ મેં રોક્યા હૈ, એસા લિખા હૈ. હા, મોક્ષ માર્ગ મેં જાતે હૈ, મોક્ષ માર્ગ અને મોક્ષ અલ્પકાલ મેં મોક્ષ હોગા. હા હા હા, એ કહેતે થે લિખા હૈ ઇસમે કે 350 વર્ષ અભી તક અભી કોઈ સચ વક્તા દિખતે નહીં, અને સચ શ્રદ્ધાનવાન કોઈ દિખતે નહીં, એસા લિખા હૈ. ઓર જો મોઢે સે મુખ સે કહે તો સુનતે નહીં, તો હમ લિખ જાતે હૈ, ગજિયા કરે મોઢે સે, ગજિયા કરે ક્લેશ કરે, લિખા હૈ ઉસમે ભાવ દીપિકા હૈ, ત્યાં હૈ ત્યાં હશે, દીપિકા સપા નહીં પહેલે કે ભાવ દીપિકા હૈ. હા, તો ઘણા વર્ષે વાંચી અને સબ વાંચ્યા ને પહેલે છે, હમ તો ઉસમે થી દિગમ કા શાસ્ત્ર વાંચે છે, પહેલે સે અમારો રસ્તો હતા ને, ભલે હતા ઉસમે
सनक असुरों को सब तत्वार राजवार्ती आदि पुराण समय साल सब देखा था दीक्षा पहले बहुत वर्ष पहले परिवर्तन तो अभी हुआ एकाउन में यहाँ 42 वर्ष हुआ वो पहले से हम तो 78 के साल से हुआ 54 वर्ष हुआ है हजारों दिखे करोड़ों श्लोकों से तमर का देखा है ना अपना से निगम का साथ है सब देखा कुछ काम और था ही नहीं हमारे हाँ काम था ये काम हाँ ऐसा लिखा है मिठालो नहीं यही लिखू दीपचंद जी चिद विलास अनुभव प्रकाश आत्मावलोकन देखो आत्मावलोकन हाँ तो ये कहा था ना किसको कहिए जो दया किसको कहिए उसके लिखा कि विकारमय परिणामों द्वारा अपने निस्वभाव का घात नहीं करना ये शुभ भाव से अपना जीव के स्वभाव का घात होता है शुभ भाव भी राग है राग हिंसा है गजबान बापू दया संस्कृत है यह तो निश्चय स्वस्वभाव विकार भावे न खाती गति न हिंसती निस्वभाव पालेती तदेव दया आया लो लो समझे अने तप किसको कहते हैं क्या था शरीर परिग्रह भोग कुटुंब इष्ट मित्र शत्रु परग्नियु को छोड़ना यानी उनमें ममता रहित परिणति होना तथा उनमें तृष्णारहित होना अपने स्वभाव में स्थिरता होना ऐसी तपसा तप कहलाती है आत्मावलोकन ग्रंथ है 241 है और भूम रूप देशभाषा विशेष आश्रतना काहे को करिए शिष्य प्रश्न किया आयुष भाषा में संस्कृत ना संस्कृत शास्त्रों पेड़ा थे सब है तुम क्यों रचने आ शास्त्र का समाधान काल दोष से सम्य ज्ञानी वितराग प्रवृत्ति के धारक यथार्थ वक्तान का तो अभाव भया ये वक्त लिखा नहीं कोई श्रद्धा भगवान था हर अवसर पिणी काल का निमित्त जिनमत विषय कुलिंग के धारण प्रचंड है क्रोध मान माया लोभादि कषाय जिनके पंच इंद्रिय के विषय में है आसक्त भाव जिनके साक्षात ग्रहित मिथ्यात के पूछते जिनमत के विषय वक्ता भई अधिष्ठाता भई जिन सूत्र के अर्थ अन्यथा करने लगे ताकर ही भोले जी तिनकी बताई प्रवृत्ति विषय प्रवृत्ति भई नहीं है सत सूत्र का ज्ञान जिनको ताकर ही मन शासन का ज्ञान तीन में अगोत्र भया मूढ़ता प्राप्त भई हीन शक्ति भई सतवत्ता साता जिनोक्त सूत्र के अर्थ ग्रहण करने वाला कोई रहा नहीं ताते सत जिनमत का तो अभाव भया तब धर्म ते परामुख भई तब कोई ग्रस्त सुबुद्धि सूत्र के अनुसार एक भी श्रद्धा ज्ञान आचरण की प्रवृत्ति न करे बहुत काल गया मिथ्या श्रद्धा आचरण की प्रवृत्ति को ताकरी अति गाढ़ता से प्राप्त ताते मुख करी कही माने नहीं माने नहीं सब जीवन का कल्याण होता जानी करुणा बुद्धि करी देश भाषा में साथ रचना करी आप पार्टी साथ ने रचना करी थी कोई हाँ मन क्या है भाव दीपिका उसकी दीपचंद जी के वो ज्ञानी था सम्य ज्ञानी अनुभवी समझ में आया बहुत पुस्तक बनाया चिद विलास है कितने लगते हैं अरे रे सत्य बात सम्यक दर्शन की कुछ कहने में कहनार नहीं है कोई श्रद्धान करने वाला नहीं है मुख से कहे तो मानते नहीं तो उसमें शास्त्र में लिख जाता हूँ ये समय आए कहते हैं
वितराग चिदानंद एक शुद्धात्मा की अनुभूति, अंदर में आनंद का वेदन, उसकी एकाग्रता का बल से होने वाला भोगों की वांछा रूप राग आदि का त्याग, शुभ राग आदि का त्याग, ये निश्चय प्रत्याख्यान है। ये सच्चा पचखान प्रत्याख्यान इसको कहते हैं। पीछे और नीज शुद्धात्मा की प्राप्ति के बल से, नीज शुद्धात्मा परमानंद प्रभु एनी एकाग्रता एनी भावना के बल से अंतरना आनंद में लीनता से बल के वर्तमान में उदय में आए शुभ शुभ कारण हरक विषादी अशुद्ध परिणाम उनको निज शुद्धात्मा द्रव्य से जुदा करना। शुभ शुभ राग आता है उसको अपना स्वभाव की आश्रय से भिन्न करना, उसका नाम निश्चय संभव है, आलोचना है। भाषा सूक्ष्म, भाव सूक्ष्म, यही वाचे बोलो। आ तो सर्वज्ञ परमेश्वर जिनवर देव सौ इंद्रना पूजनी जैनी सभा में सिंह ने वाघ ने नाग जाते थे भगवान की वाणी सुनने को। सिंह सैकड़ों सिंह जंगल में से, वाघ नाग इंद्रो गणधरो एक भवतारी इंद्रो आदि सुनने जाते थे। अभी भी भगवान विराजते हैं, ये भगवान की वाणी आए। समझ में आया? परिणाम उनको नीज शुद्धात्म द्रव्य से जुदा करना। ये विकल्प उठते हैं दयादान व्रत भक्ति का, उससे भी आत्मा को भिन्न करना और भिन्न करके स्वरूप में फिरना करना, ओम नीचे आलोचना संभर है। उसका नाम संभर है। हाँ तो व्रत ली लिया से मेघ दर्शन बिना थे क्या संभर बापू? आखिरी बात से भाई, जन्म मरण रहित होने की चीज वितराग एक चीज अलौकिक है। इस तरह निश्चय प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना के ठर कर देखो, ठर कर अंदर आनंद में रम रम कर, जे कोई व्यवहार प्रतिक्रमण शुभ भाव, व्यवहार प्रत्याख्यान शुभ भाव, व्यवहार आलोचना तीनों के अनुकूल वंदना निंदा आदि शुद्ध उपयोग है, इनको छोड़ता है। शुभ भाव है वंदना आदि का नहीं, ये अंतर में रमता फिर करके छोड़ता है। हाँ उसका नाम चारित्र है, धर्म है। भारी बात भाई है। ये तीनों के अनुकूल व्यवहार ने अनुकूल वंदना निंदा पाप की ये शुभ उपयोग उनको छोड़ता है, शुभ उपयोग को छोड़कर स्वरूप में ठहरता है, आनंद में लीन होता है। उसका नाम चारित्र, उसका नाम प्रत्याख्यान, उसका नाम आलोचना, उसका नाम प्रतिक्रमण है। बहुत अभ्यास हुई भाई थोड़ा उसको, हाँ तो वितराग मार्ग है। सर्वज्ञ परमेश्वर केवल ज्ञानी से सिद्ध हुआ है, हाँ कोई कल्पित नहीं है। साक्षात भगवान एक समय में त्रणकार त्रण लोक जिन्हे देखा, उसको इच्छा वाणी बिना वाणी निकलती है। इच्छा है नहीं तो वितराग है, वितराग तो बारह में गुणोत्थान हुआ था, भगवान तो केवल तेरह में गुणोत्थान हुआ। इच्छा तो है नहीं, वाणी निकलती है। ओम ध्वनि, ओम ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे, भगवान ने ओम ध्वनि निकलती है उसे गणधर शास्त्र रचते हैं, उसकी महिला शास्त्र है। बहुत झीणी निश्चय निश्चय पर निश्चय ये सच है। व्यवहार तो शुभ उपयोग है, बंद का कारण है।
जी उसकी समझण में ठिकाना नहीं, श्रद्धा में ठिकाना नहीं, उसको कैसे सम्यक दर्शन ज्ञान आ गया। तो आजनो स्वाध्याय अहियां सुधी राखीए छीए। 64મી ગાથાનો શેષ ભાગ એના ઉપર ગુરુદેવે જે વિસ્તાર કર્યો છે તે આવતા સ્વાધ્યાયમાં લઈશું। जय।